नमस्कार, मैं नीरू श्योम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में, बातों बातों में। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे ये कहा था कि हम अपनी बातें डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक फ़ोन आया एक महिला का। उन्होंने अपनी एक परेशानी मेरे सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनका बेटा उनका कहना नहीं मानता। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे, तो वो एकदम से गुस्से में भड़क गई। बोली, आजकल के बच्चे बिल्कुल कहना नहीं मानते, टीवी देख देख कर बिगड़ गए हैं, नेट की वजह से बच्चे बिगड़े हैं। तो मैंने उसको शांत कराया और मैंने कहा पहले मुझे प्रॉब्लम बताओ। तो उसने कहा कि मैं ये चाहती थी कि मेरा बेटा हॉबी क्लासेस ज्वाइन करे, म्यूज़िक और डांस सीखे, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी और वो क्रिकेट खेलने चला गया। फिर मैंने पूछा कि आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो उसने कहा 11वीं में। और मैं चाहती थी कि वो साइंस पढ़े, लेकिन उसने आर्ट्स क्लास ले ली। तो मैंने उसको शांत करा के फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैं ये सोचने लगी कि प्रॉब्लम तो डिस्कस हो गई, उसने प्रॉब्लम तो मुझे बताई, लेकिन असली परेशानी है क्या? बच्चा अपने निर्णय स्वतंत्रता से खुद लेना सीख गया? उसको पता है कि उसकी हॉबी क्या है? क्या ये उसकी परेशानी थी? असल में परेशानी उसकी माता में थी। माँ को यही नहीं पता कि हॉबी बच्चे का पर्सनल मैटर होता है, करियर ऑप्शन बच्चा अपने आप चुने। क्या होता अगर वो बच्चा अपनी माँ के कहने पर मेडिकल की पढ़ाई कर लेता और बाद में उस बर्डन को झेल ना पाने की वजह से सुसाइड कर लेता, तो क्या ये अच्छा रहता? हर माँ बाप की ये शिकायत होती है कि बच्चे कहना नहीं मानते। कहना मानना, आज्ञा मानना बहुत अच्छी बात है। जब बच्चा कहना मानने लगता है तो कक्षा में अनुशासन का माहौल बनता है, परिवार में, समाज में, लेकिन उसके साथ साथ कई भारी मुसीबतें भी आ जाती हैं। हम सबको एक बात समझनी होगी कि हमें अपने बच्चे में वो क्षमता विकसित करनी है कि वो निर्णय स्वतंत्रता से ले सके। हमें पढ़े लिखे रोबोट नहीं चाहिए। क्या होगा अगर बच्चा अपने माता पिता का हर कहना मानने लगे? एक औरत का कहना है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है। मैं उसको कहती हूँ खड़ा हो जा, तो वो दो दो घंटे खड़ा रहता है। मुझे लगता है उस बच्चे को और उसकी मम्मी को किसी दिमागी डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत है। अगर बच्चा बिना कारण जाने दो घंटे तक खड़ा रहता है, तो इसका मतलब उसके दिमाग में कहीं खलल है और उसकी माँ के दिमाग में कोई परेशानी है। खैर, अब आपसे एक और बात डिस्कस करती हूँ। सैकड़ों वर्षों तक हमारा देश गुलाम रहा, उसका कारण क्या था? क्या अंग्रेज जो हमारे देश में आए वो संख्या में हमसे ज़्यादा थे? नहीं, उंगलियों पर गिनने लायक उनकी संख्या थी, लेकिन सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने हमें गुलाम बनाए रखा। उसका कारण क्या था? उसका कारण सिर्फ ये था कि हमारे देश की जनता पहले राजा को अपना माई बाप मानती थी। उन्हें लगता था कि जो राजा है वो ईश्वर की संतान है और हमें उसकी हर बात माननी है। राजतंत्र खत्म हुआ, उसके बाद हमारे माई बाप कौन बन गए? अंग्रेज बन गए। अब हमारे देश की ही जनता फौज में, ब्रिटिश सेना में और उनकी पुलिस में भर्ती होकर हमारे ही देश के लोगों पर अत्याचार करती है, बिना ये जाने कि जब हम अपने भाइयों पर अत्याचार कर रहे हैं तो क्या वो सही कर रहे हैं? कहीं ऐसा करके हम अपने ही लोगों को गुलाम तो नहीं बनाते जा रहे हैं? ये कमी है बिना सोचे समझे आज्ञा मानने की। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि हमें अपने बच्चों में वो क्षमता विकसित करनी है कि वो सही या गलत की पहचान कर सके। कोई बच्चा अच्छा है या बुरा, ये इस बात से पता नहीं चलता कि वो हमारा कितना कहना मानता है, बल्कि इस बात से पता चलता है कि वो निर्णय कितनी स्वतंत्रता से ले सकता है। ये ठीक है, कई बार बच्चों के निर्णय गलत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन का पूरा अनुभव अभी नहीं मिला। तो हमारा काम क्या है? हमने अपने बच्चे को सहारा देना है, उनको समझाना है और ऐसा करना है कि उसका आत्मविश्वास बना रहे, वो आत्महीनता के गर्त में ना डूब जाए। इन्हीं बातों के साथ हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।